दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज मैं उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ अचूक एवं सटीक उपाय लेकर आया हूँ। यूँ समझें कि ये टोटके हैं और इन टोटकों को जो कोई भी करता है उसे अवश्य 100% लाभ होता है। ये टोटके आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके कर सकते हैं और ज़्यादातर टोटके अगर आप पूर्णिमा को करें तो बेहतर रहेगा। किसी भी पूर्णिमा को आप ये टोटके करें। एक दिन का उपाय बताऊंगा जो आपको एक ही दिन में आपको करना है और चमत्कार आप बताएंगे, चमत्कार हमें बताने की दरकार नहीं। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जीवन दिग्दर्शन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आपको हमारे बताए उपाय अगर अच्छे लगते हों तो आप इस उपाय को आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आपको कोई लाभ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें। किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है किसी प्रयोग को करने में, किसी टोटके को करने में, तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका उत्तर अवश्य समय मिलने पर दिया जाएगा। दर्शकों, मेरा पहला टोटका है, ये सारे टोटके बरगद वृक्ष के हैं। बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि व्यर्थ की पूजा की जाती है, लेकिन भारतीय संस्कृति के संस्थापक हमारे ऋषि मुनि रहे हैं। बड़े बड़े रिसर्चर जहाँ विफल हो जाते हैं वहाँ ऋषि मुनियों का रिसर्च काम आता है। बरगद का पेड़, छोटा सा बीज कितना विशाल पेड़ होता है, उसी तरह से एक छोटे से इंसान को उतना ही विशालता प्रदान करने वाला हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट वृक्ष है और हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इस बरगद से संबंधित हम आपको दो चार टोटके बताएंगे धराधर। आप इसको सुने, नोट करें और आप करके देखें, अजमा कर देखें। कभी कभी आर्थिक तंगी इतनी आ जाती है कि आदमी, ये पहला प्रयोग मैं बता रहा हूँ, आर्थिक तंगी इतनी आ जाती है कि आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसे पता ही नहीं है कि सुबह में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा या न मिलेगा। बिल्कुल ही आर्थिक तंगी इतना तंग कर दे कि आदमी विवश हो जाए भगवान को पुकारने में, तभी ये प्रयोग करिएगा। क्योंकि इस प्रयोग में अचानक धन लाभ होता है और अचानक धन लाभ का मतलब है कि आपके भविष्य की जो पूंजी है उसमें से थोड़ा मिल जाता है, तो भविष्य में फिर संकट ना आए। इसलिए आप इस उपाय को तभी करिएगा जब एकदम कंगालियत की हद हो जाए। दर्शकों, आप पूर्णिमा से एक दिन पहले एक लोटा जल लेकर किसी भी बरगद पेड़ के यहाँ निमंत्रण देकर आए और उस निमंत्रण के बाद दूसरे दिन ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में आप जाकर बरगद की लटकती जटाओं पे आप कलावे का एक गांठ लगाकर आ जाएं और अपनी मनोकामना बोलकर आ जाएं और बरगद से कहें कि हमारी आर्थिक तंगी, हमारी आर्थिक समस्या का तुरंत निदान करें। आप देखेंगे कि आपके घर में अचानक धनागमन शुरू हुआ और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। दर्शकों, इस उपाय को तभी करना जब बिल्कुल ही आप कंगाल हों, खंगाल खंगाल करके आपने सभी बर्तन बासन देख लिए हों, कहीं कुछ नहीं मिलता हो, तब इस प्रयोग को करके अजमा कर देखिए। अगला प्रयोग आपको मैं बता रहा हूं, इसमें भी हर प्रयोग पूर्णिमा का बता रहा हूं, पूर्णिमा पे ही करना है और जटा जर का ही प्रयोग है।
हर दिन पूर्णिमा से एक दिन पहले एक लोटा जल लेकर निमंत्रण देना है। दूसरे दिन पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त में जाना है और उन जटा का एक टुकड़ा या जमीन में गड़ी जड़ का एक टुकड़ा उस बरगद के पेड़ का ले आए। आप घर लाकर लाल चंदन से उसको बढ़िया से रंग दीजिए और लाल रेशमी वस्त्र में उसे रखकर आप अपने पूजन स्थल में रख दें। व्यापार स्थल है तो दरवाजे की अंदर की साइड में लटका दें और नौकरी पेशा के हैं तो पूजा करके तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपके घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ती गई और आप की हालत वो हो गई कि कहाँ आप गंगू तेली थे और कहाँ राजा भोज की तरह आप आलिशान बंगले में चले गए। दर्शकों, ये छोटे छोटे टोटके हैं, आप इन्हें करके देखें, करने के बाद में आपका जो चमत्कार होगा वो मैं बताएं। तीसरा प्रयोग आपको मैं बता देता हूं। अगर किसी को घर का सपना हो, उसे घर चाहिए, घर के लिए पैसे ना हो रहे हो, विदेश में मान सम्मान जस कीर्ति कमाना हो, उस आदमी के लिए आज मैं एक और प्रयोग आपको बता रहा हूं। आप इस प्रयोग को सुने और इस प्रयोग को करने का कोशिश करें, समझे। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले आप बरगद के पेड़ को आमंत्रित कर दें, एक लोटा जल, धूप, दीप, अगरबत्ती सब दिखा करके आमंत्रित करके आए कि हम आपके ऊपर जो ये बांदा फल, बांदा यानी बरगद के पेड़ के ऊपर कोई नया पौधा उगा है, उस पौधे को आप एक कलावा बांधेंगे और उसे आमंत्रित करेंगे कि हम आपको कल ब्रह्म मुहूर्त में लेने आएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले जाकर आप उस बांदे के एक टुकड़े को ले आए, पूजन स्थल पे पूजा करके काले कपड़े में उस टुकड़े को रखें और सिलाई कर दें तावीज की तरह, और काले धागे में उसे पिरोकर आप आगामी शनिवार, पूर्णिमा के बाद जो भी शनिवार आए, उस शनिवार को इसे शनिदेव को धूप अगरबत्ती दिखाते हुए और इस तावीज को धूप अगरबत्ती दिखाते हुए आप अपने गले में धारण कर लें। अगले दिन रविवार को भैरव जी का पूजन करना ना भूलें। इस उपाय का सबसे विशिष्ट यह है कि इसके बाद रविवार को भैरव जी की पूजा अवश्य होनी चाहिए। आप देखें इसका चमत्कार कैसे होता है। अगला उपाय आपको मैं बता रहा हूं। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले फिर बरगद के पेड़ को आमंत्रित करें और उनको बोल के आए कि मैं आपके चार पत्ते कल लेने आऊंगा, और जाकर के बरगद के साफ सुथरे चार पत्ते ले आए। आप उन चार पत्तों को गंगाजल से साफ करें और चारों पत्तों पर हल्दी से, अनामिका उंगली से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद धूप दीप दिखाएं और उन्हें पीले कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि आपका मान सम्मान, आपका जस कीर्ति, आपके घर में लक्ष्मी का इतना दिव्य आकर्षण हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। और हर पूर्णिमा को आप नए पत्ते लाएं, पुराने पत्तों को जलते जल के उस समूह में डालें जहां बहता जल हो, यानी नदी में या नहर में जहां बहता पानी हो उसमें प्रवाहित कर दें। ये प्रयोग आप करके देखें, आप धन्य धन्य हो जाएंगे। दर्शकों, आप इन प्रयोगों को करके देखें, ये छोटे छोटे हैं देखने में लेकिन है बड़े कामयाब। अगला प्रयोग आपको बता रहा हूं।
कि बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जड़ के आजू बाजू जो अन्य पौधे उगे हुए हैं उनको आप एक दिन पहले आमंत्रित करिए और उनको लेकर पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आइए, उनकी पूजा करिए और लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि आपके घर में दिव्य लक्ष्मी आकर्षण हुआ, आपकी जस कीर्ति मान सम्मान सब दिनों दिन बढ़ता चला गया। दर्शकों, इसमें कहीं भी संशय नहीं है, जितने उपाय बताए सभी उपाय में से कोई सा एक भी उपाय आप करके देखें, आपके घर में दिव्य लक्ष्मी आकर्षण होगा, आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। बस पहला उपाय में यही है कि घोर दरिद्रता ने सताया हो तभी कीजिएगा, बाकी सारे प्रयोग लक्ष्मी आकर्षण के प्रयोग हैं, आप संपन्न हैं तब भी कर सकते हैं। लेकिन पहला प्रयोग जो है वो जो हमने बताया कि आपके दिव्य कंगाली हो तभी आप करिएगा, अचानक धन लाभ होगा और ये आप जरा भी संशय में ना रहे। भारतीय संस्कृति में बरगद को पूजनीय बताया गया, बरगद के गुणों का बखान मैं कर ही नहीं सकता, इसलिए जितना मेरी जिह्वा में दम था उतना हमने बताया, भी जितना इस वीडियो में मैं समेट सकता था उतना मैंने समेटा। आगे फिर अन्य वीडियो में कभी बरगद पे बात होगी तो और भी उपाय मैं आपको बरगद से संबंधित बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दर्शकों। जय श्री राम, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय जय श्री मां।